मैं पंकज कुमार आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ प्रिंसिपल बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम लोग आज पहुँच चुके हैं, एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। हालांकि सेक्स डिटरमिनेशन हम लोग ने कल भी पढ़ा था, आज फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ जो आपके लिए साधारण आसान हो जाएगा। जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम के होंगे, डिटरमाइन करते हैं सेक्स को, है ना। तो एक वो पेयर में होंगे और वो जो पेयर में होंगे वो या तो एक ही सेम टाइप के एलील होंगे उसमें या डिफरेंट टाइप के एलील हो सकते हैं ना। तो अगर एक ही तरह के क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम पेयर में होंगे और दोनों क्रोमोसोम एक ही प्रकार के हैं, उसको अगर एक ही प्रकार के हैं सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम है तो हम उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग हेट्रोगैमेटिक कहेंगे, सॉरी होमोगैमेटिक कहेंगे, है ना, होमोगैमेटिक कहेंगे। जैसे एक्स एक्स है, अगर डिफरेंट टाइप है ना, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ए इंडिविजुअल इन ए ऑर्गेनिज्म देन इट विल कॉल्ड एज ए हेट्रोगैमेटिक। क्या कहलाएगा वो, तो हम लोग उसे कहेंगे हेट्रोगैमेटिक कहेंगे। होप सो कि ये चीज समझ में आ गया होगा, मैं भी समझ में आया होगा तो फिर अभी समझ जाओ यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक कहेंगे। अब क्या है और कोई सहारा आता है तो उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोला जाता है, भाई तुम लोग बोलता नहीं है। अब इसका एग्जांपल उदाहरण देखते हैं, हेट्रोगैमेटिक और सेक्स डिटरमिनेशन होगा कैसे। सेक्स डिटरमिनेशन एक्चुअल में होगा इससे, इस प्रकार से, जैसे एक्स एक्स है और क्रॉस किया एक्स वाई से, ह्यूमन का सेक्स बता रहे हैं, जैसे यहाँ से जो गैमेट बनेंगे एक्स एक्स बनेंगे, यहाँ से एक्स और वाई दो गैमेट बनेंगे। तो जब आप इसका क्रॉस करेंगे तो एक्स और एक्स के साथ जो होगा एक्स एक्स मिलेगा, इस यही एक्स वाई के साथ भी जा सकते तो वाई एक्स वाई मिलेगा। और अब यहाँ पे इस गैमेट का प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गया इसका। अब इसका प्रोबेबिलिटी जब देखोगे तो ये इसके साथ जा सकते हैं तो वापस एक्स एक्स होगा, या फिर ये इस गैमेट के साथ फ्यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो केस है एक्स एक्स वाले, ये क्या आएंगे, ये होंगे होमोगैमेटिक और ये आपकी फीमेल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फीमेल्स। ये जो फीमेल्स है ये क्या है, फीमेल किसके, ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में भी और भी एग्जांपल देखेंगे। ह्यूमन के केस में फीमेल क्या होती है, होमोगैमेटिक होती है, ठीक है। और मेल के केस में, मेल के केस में ये है, ये मेल है हमारा, ये जो मेल है ये क्या होता है, मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। अब देखिए ह्यूमन के केस तो आप लोग देख ले कि अगर यहाँ मेल और फीमेल में होता है तो 50% चांस है मेल होने का और 50% चांस है फीमेल होने का। तो मेल या फीमेल 50-50% चांस है। और ये मेल या फीमेल किस पे होने पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, वो फादर पे डिपेंड करता है, ठीक है।
क्योंकि फादर ही हेट्रोगेमेटिक है, तो अब डिपेंड करता है कि फादर से कौन सा गैमेट जाएगा। अगर फादर से वाई वाला गैमेट जाएगा तो बच्चा मेल होगा, अगर फादर से सिर्फ एक्स वाला गैमेट जाएगा तो बच्ची जो होगी वो फीमेल होगी, क्योंकि माँ के केस में कभी भी एक्स के अलावा और कोई गैमेट जाएगा ही नहीं। तो ये था ह्यूमन के, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन का केस। तो अभी बाकी के केस के बारे में फिर से देख लेते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में, जैसे इसलिए हम लोग ग्रास ऊपर का देखते हैं। ग्रास ऊपर के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रास ऊपर होता है वो जो उसका जो मेल जो पार्टनर होगा वो XO होता है, और जो फीमेल पार्टनर होती है वो क्या होती है, XX होता है। यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप O देख रहे हो, ये चीज, ये O जो है ये एब्सेंस ऑफ गैमेट की वजह से, एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम एब्सेंट है इसलिए यहाँ पे, अगर क्रोमोसोम रहता तो यहाँ पे ओ नहीं रहता। तो ये हेट्रोगैमेटिक ही कहलाएगा मेल के केस में, एक्चुअल में प्रैक्टिकली से कहा नहीं जाना चाहिए बट कई किताबों में लिखा हुआ है। अब बर्ड के बारे में बात करते हैं, जो अगर आप बर्ड्स के बारे में देखेंगे तो बर्ड्स के केस में जो केस है वो है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जो मेल होगा वो जेड जेड होगा और जो फीमेल होगी वो जेड डब्ल्यू होगी। यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल यहाँ पे क्या है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। फीमेल यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है। इसके बाद से आप क्या देखोगे, बर्ड्स के बाद से आप देखोगे हनी बी का हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिर से अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो ड्रोन होते हैं हनी बी में, तीन प्रजाति के आपको मधुमक्खी दिखते हैं, हनी बीज दिखते हैं ना, ड्रोन वर्कर, ये दोनों क्या होते हैं, एप्लॉयड होंगे, ठीक है। इनमें संख्या कितनी होगी, क्रोमोसोम की 16। और जो क्वीन होती है वो क्वीन क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, इसमें संख्या कितनी होती है, 32। और जो वर्कर जो यहाँ पे बनते हैं, वर्कर फॉर्म फ्रॉम प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ओके, अनफर्टिलाइज्ड एग। और अनफर्टिलाइज्ड एग, कुछ और भी है क्या यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ तक बात समझ में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे वर्कर लिखा है ना, यहाँ पे इसको हटा देना, जस्ट यहाँ पे लिखो यार, जो ड्रोन होता है, ठीक है, होता क्या है, जो ड्रोन होगा, ड्रोन प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। तो मैं ये बता रहा था कि वर्कर, यहाँ पे लिखो ऐसा, वर्कर और जो क्वीन है, वर्कर और जो क्वीन है वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे और उनके क्रोमोसोम नंबर 32 होता है। तो वर्कर ने, वर्कर एंड क्वीन फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट,
बट द वर्कर इज, बट वर्कर इज इम्परफेक्ट, बट ओनली क्वीन इज परफेक्ट. कुछ ना कुछ तो जेनेटिकल लोचा होता होगा जिसकी वजह से बाकी वर्कर्स में वो गैमेट बनाने की क्षमता नहीं रखते, बाकी सब रखते हैं. ठीक है, बाकी ओनली क्वीन ही रखती है गैमेट बनाने की क्षमता, बाकी वर्कर्स नहीं रख पाते. तो वर्कर्स का काम क्या होता है, डिफेंसिव काम हो सकता है, उसका घर बनाने का काम होता है, नेक्टर कलेक्शन का काम होता है. तो ये सारे काम उसके वर्कर के होते हैं. वर्कर की भी अलग अलग प्रजाति होती है जिसको हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं यहाँ पे. अगर ऐसा हो कि टेम्परेचर बढ़ने के और घटने के साथ मैं लड़का या लड़की बन जाऊँ तो अजीब सी बात हो जाती है, लेकिन ऐसा ह्यूमन में तो नहीं होता, लेकिन ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है. सब टेम्परेचर के आधार पे अपना लिंग बदल लेता है, मतलब अपना अपना सेक्स बदल जाता है. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स में अगर आप देखोगे ध्यान से, डिपेंडेंट सेक्स के केस में, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स में क्या होता है कि जो सेक्स सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विल कन्वर्ट कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. उदाहरण क्या है, उदाहरण इसका एग्जाम्पल आप लिख लोगे, जैसे लिजर्ड है, टर्टल है और क्रोकोडाइल है. जो टर्टल है ना, टर्टल एक्चुअल में टर्टल के अंदर एक एंजाइम होता है जो एरोमेटेज कहलाता है. ठीक है, एरोमेटेज, तो जो टर्टल में एरोमेटेज एंजाइम है वो क्या करता है, एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्रोजन में. तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात इसलिए आती है कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है अपने नॉर्मल अवस्था से, अगर वो टेम्परेचर चेंज होता है अपनी नॉर्मल अवस्था से तो फिर वो उसका लिंग भी चेंज हो जाता है. जैसे कि अगर आप देखेंगे टर्टल के अंदर जो सेक्स होगा टेम्परेचर के हिसाब से वो बदल जाता है. जैसे कि अगर आप टेम्परेचर अगर ज़्यादा रखेंगे ना, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा रखेंगे एग का, किसके एग का, अगर यहाँ पर टर्टल का एग है, अगर इसको आपने टेम्परेचर दिया कितना, इसको ज़्यादा दे दिया टेम्परेचर दे दिया ज़्यादा, मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, हाँ, और 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपने इसको टेम्परेचर दे दिया तो ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी फीमेल. अगर इसको इसी टर्टल के एग को आपने टेम्परेचर दिया लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस तो ये हो जाएगा मेल. तो ये केस टेम्परेचर पे डिपेंड होता है कि एग क्या बनने वाला है. यहाँ तक सेक्स डिटरमिनेशन की सारी बातें खत्म हो चुकी है. अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताना चाहता हूँ पेडिग्री के बाद, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताना चाहता हूँ वो है कुछ डिजीज हम लोग देखेंगे. डिजीज से शुरुआत तो करना चाहिए. क्रोमोसोमल एब्रेशन देखते हैं. पढ़ाने के लिए यार बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक इम्पोर्टेंट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्रोमोसोमल वेरिएशंस बता रहा हूँ. ठीक है, इसके अलावा थोड़ी चीज़ें और भी बच जाएंगी, मुझे लगता है इस क्लास में कम्प्लीट नहीं होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कम्प्लीट करेंगे. क्रोमोसोमल
वेरिएशन, क्रोमोसोमल वेरिएशन। ये वेरिएशन किस कारणों से होता है? जो भी क्रोमोसोमल वेरिएशन होता है वो म्यूटेशंस के कारणों से हो सकता है, रिकम्बिनेशन से हो सकता है, या किसी और अदर कारणों से भी हो सकता है, एक्सरे के कारणों से, यूवी रेज़ के कारणों से, कार्सिनोजन से। फाइनली म्यूटेशन ही कॉज करता है क्रोमोसोमल, जो म्यूटेशन होता है वही कॉज करता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल वेरिएशन, किस तरह से क्रोमोसोम वेरी करता है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो क्रोमोसोमल वेरिएशन दो तरह का होता है, एन्यूप्लोइडी प्लोइडी और यूप्लोइडी। यूप्लोइडी तो यूप्लोइडी और एन्यूप्लोइडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यूप्लोइडी जो होता है यहाँ पे डिफरेंस इन द बेसिक सेट होगा, ठीक है, डिफरेंस बेसिक सेट, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे डिफरेंट सेट, बेसिक सेट ऑफ द क्रोमोसोम को हम लोग यूप्लोइडी कहते हैं, और एन्यूप्लोइडी कहते हैं कि गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, जस्ट गेन और लॉस। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि या तो क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे या तो क्रोमोसोम घट जाएंगे, ये गेन और लॉस का केस समझ में आ गया, एन्यूप्लोइडी कहेंगे। या फिर कि हमारे यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो 47 हो जाएगा, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, या तो 46 से क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, या 48 हो जाएगा बढ़ के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक क्रोमोसोम का बदलाव होगा। लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड से वो ट्रिप्लॉयड भी हो सकता है, ट्रिप्लॉयड से टेट्राप्लॉयडी और हेक्साप्लॉयडी भी हो सकता है। तो ये होता है यूप्लोइडी वाला केस, आ रहा बात समझ? तो यहाँ पे सेट जो है क्रोमोसोम का वो पूरा का पूरा बदल जाएगा, और यहाँ पे एन्यूप्लोइडी में जो है वो सिर्फ क्रोमोसोम का एक संख्या या दो संख्या बढ़ या घट सकता है। तो यूप्लोइडी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूप्लोइडी दो भागों में बटा हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि ये यूजुअली हम लोग जो प्लोइडी देखते हैं वन विंग में वो डिप्लोइडी होता है, तो इसको कहते हैं डिप्लॉयडी, ठीक है, जो यूजुअली पाया जाता है 2n, ठीक है, दो बेसिक सेटों। अगर पॉलीप्लॉयडी का केस देखेंगे तो पॉलीप्लॉयडी में क्या होता है, पॉली PLOID, पॉलीप्लॉयडी वाले केस में क्या देखेंगे, पॉलीप्लॉयडी वाले केस में आप देखोगे कि इसको साफ पॉलीप्लॉयडी वाले केस में आप देखेंगे कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सेट ऑफ जो क्रोमोसोम होगा वो मोर देन 2n हो जाएगा, ठीक है, हालांकि डिप्लॉयड होना चाहिए 2n होना चाहिए, लेकिन अब वो उससे ज्यादा हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, जैसे एग्जांपल जैसे ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n हो जाएगा, 6n हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का केस आप देख सकते हैं। अब पॉलीप्लॉयडी को दो भागों में बांटा गया है, तो पॉलीप्लॉयडी को जो दो भागों में बांटा गया है वो पहला भाग है ऑटोप्लॉयडी का, क्या है, ऑटोप्लॉयडी का, और जो दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है वो एलोप्लॉयडी का, ऑटोप्लॉयडी और एलोप्लॉयडी में दो तरह का डिफरेंस है, मतलब एक मेजर डिफरेंस है। ऑटोप्लॉयडी मतलब कि आपके अपने ही सेट, मतलब स्पीसीज सेम रहेगा, ऑटो मतलब सेम स्पीसीज में, प्लॉयडी बढ़ जाएगा, सेम स्पीसीज के अंदर प्लॉयडी बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लॉयडी मतलब क्या, सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, स्पीसीज के अंदर प्लॉयडी जाएगा, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई, सेट ऑफ क्रोमोसोम करेंगे मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, एस्पेंसर ट्रांसमोंटनम, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप यहाँ पे 3n हो जाएगा, 5n हो जाएगा या 6n हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5n और 3n होगा ना, ये जब ये गैमेट बनाएंगे ये पौधे, तो इनका गैमेट बराबर बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो तीन को जब क्रोमोसोम में बांटोगे तो बराबर क्रोमोसोम थोड़ी ना बटेगा, 1.5 बटेगा। ये थोड़ी तो ये बराबर थोड़ी ना है, क्रोमोसोम कभी कभी सेट में बटेगा। जैसे कि 6n में, तो 6n में क्या होगा, जब भी बटेगा तो वो 3n 3n बटेगा, लेकिन इन दोनों केस में बराबर नहीं बटेगा क्रोमोसोम गैमेट में। तो ये क्या कहलाएंगे, ये स्टेराइल कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है स्पेंसर ट्रांसमोंटेनम या वाटर मिलन, ठीक है। आप लिख सकते हो वाटर मिलन या फिर बनाना। तो ये बनाना और वाटर मिलन का साइज क्यों बड़ा होता है, वाटर मिलन पहले छोटा छोटा होता था, जैसे आपने देखा है वो कभी जंगलों में या खेतों में गए होंगे तो छोटा सा तरबूज जैसा होता है, बहुत छोटा होता है हाथ में थैली में लेके खाते हुए। तो वो जो ग्रीन कलर का जो छोटा तरबूज है, वो सिर्फ एक में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, लेकिन उसी का तरबूज का साइज आज क्या देखते हो आप, उतना बड़ा है। लेकिन आप कहीं कहीं पर मूवीज या टीवी में देखे होंगे कि तरबूज उससे भी बहुत बड़ा होता है। आजकल के टाइम में जो गर्ड्स होते हैं, जैसे कि पम्पकिन है, तो पम्पकिन इतना छोटा होता है नॉर्मल जो देसी ला पम्पकिन होता है, लेकिन अब जो हाइब्रिड पम्पकिन आप देखोगे तो उसका साइज बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि नेचुरली भी वो कभी कभी क्या होता है, अपने सेट ऑफ क्रोमोसोम को बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर जाता है। तो जब मल्टीप्लाई करेगा सेट ऑफ क्रोमोसोम तो साइज भी बढ़ जाता है। एलोप्लॉयडी में आप क्या देखोगे, एलोप्लॉयडी में आप देखोगे कि दो स्पीसीज की क्रोमोसोम का मिक्सिंग, तो दो डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम का मिक्सिंग को हम लोग कहते हैं एलोप्लॉयडी कहते हैं, ठीक है। मिक्स जैसे कि आप एक ले लो दो स्पीसीज, जैसे कि धान का दो स्पीसीज है, बहुत सारे स्पीसीज है, और उसी धान की स्पीसीज को आप लेके एक नया वैरायटी बना दे, तो उसको हम लोग कहते हैं एलोप्लॉयडी। या फिर आप आज के समय में जैसे ट्राइटिकम एक्सटिवम है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्राइटिकम एक्सटिवम, जो ट्राइटिकम एक्सटिवम है वो ट्राइटिकम एक्सटिवम 6n क्रोमोसोम का होता है, मतलब ये 6 गुना ज़्यादा होता है। और ट्राइटिकम एक्सटिवम मतलब क्या, गेहूँ, जो गेहूँ होता है ना वो हेक्साप्लॉयडी होता है। उसके अलावा और भी आर्टिफिशियली भी इसको बनाने का कोशिश किया गया था, जैसे आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है जिसके क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, जैसे कैबेज और रेडिश के बीच में है ना, रेडिश और जो कैबेज होता है उसका क्रोमोसोम सेम ना होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, उसको क्रॉस किया था, इसका 18 और इसका 18। इसको क्रॉस इसलिए किया गया था कि जो साइंटिस्ट थे हमारे कार्पिंचेंको जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या लिख दूंगा मैं लास्ट में, उनको लगा कि अगर एक ही पौधे में क्रोमोसोम दोनों दो अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम सेम है, अगर मिला देंगे कैबेज और रेडिश को, तो जमीन के नीचे आपको रेडिश मिल जाएगा और जमीन के ऊपर उसका कैबेज मिल जाएगा। तो एक तो अच्छा सोच था कि एक ही खेत में आपको एक ही बार में दो फसल तैयार हो जाएगी, तो हुआ क्या कि उल्टा हो गया क्या, पौधा कुछ इस तरह से बन गया। देखो नीचे बन गया कैबेज का रूट और ऊपर बन गया रेडिश का लीफ, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हालांकि बना, ऐसा नहीं कि नहीं बना, लेकिन इसमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 36 क्रोमोसोम, कितना होगा, 36 क्रोमोसोम हो गया।
तो ये एलोप्लॉयडी का एग्जांपल है। इसको साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये जो एक्सपेरिमेंट जो किया था साइंटिस्ट का नाम था कारपेंचिनको, याद रख लेना ठीक है, याद मत रखना जरूरी नहीं है, पूछेगा नहीं, बट लिख दे रहा हूँ कारपेंचिनको। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये सारी बातें थी किसके बारे में, यूप्लॉयडी के बारे में। एनोप्लॉयडी के बारे में अगर आप देखोगे तो एनोप्लॉयडी में हम लोग ने देखा एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा या एक क्रोमोजोम घट जाएगा। तो इसका एग्जांपल आप एनसीईआरटी में भी दिया है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या देखते हो कि जो 21 क्रोमोजोम नंबर होता है इसका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। 21 क्रोमोजोम नंबर का क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जब इसका कॉपी हो जाएगा तो यहाँ पे 21 प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल 21 प्लस 1 22, मत लिख देना संख्या। उसी क्रोमोजोम का कॉपी बढ़ा है तो ये हो जाएगा ट्राइजोमी हो जाएगा, ठीक है, एक का तीन कॉपी हो जाएगा, ट्राइजोमी कहलाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइजोमी हो जाएगा, तो इसमें बच्चा जो होता है, बच्चा का जो सिम्टम्स होता है, राउंड फेस होता है, सिम्टम्स जो बच्चे का होता है एक्चुअल में मेंटली रिटार्डेड होगा, मेंटली रिटार्डेड, क्रिस्ट फिंगर्स होंगे, फिंगर्स मुड़े हुए थोड़ा रहेंगे एंड वगैरह, और मेंटली रिटार्डेड होगा, ओपन माउथ MOUTH, ओपन माउथ, टंग थोड़ा बाहर रहता है, राउंड फेस रहता है, ये सारे केसेस आप देख सकते हो, ठीक है, राउंड फेस मून फेस भी कह सकते हो, इस तरह से आप कहोगे। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल है एडवर्ड सिंड्रोम। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्रोमोसोम नंबर याद रखना जरूरी है। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या जरूरी है, एडवर्ड सिंड्रोम में आप देखोगे कि इसमें 18 नंबर जो क्रोमोसोम होता है उसका कॉपी हो जाएगा, 18 नंबर क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये ट्राइजोमी हो जाएगा, ठीक। तो 90% जो इसमें केसेस होते हैं, 90% जो बच्चे होंगे, बच्चे मतलब नवजात शिशु ना, जन्म से पहले मर जाते हैं, ठीक है, डाई बिफोर बर्थ, ओके, डाई बिफोर बर्थ। तो ज़्यादातर बच्चे तो जन्म से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन अगर जो बच भी जाते हैं ना तो उनको बहुत दिक्कत होता है और फाइनली मर भी जाते हैं। एग्जाम्पल इसका सिम्टम्स आप जो लिखोगे, सिम्टम्स क्या लिखोगे, क्लिंच्ड हैंड ओवरलैपिंग फिंगर्स हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक। उसके बाद से कौन से सिंड्रोम है, उसके बाद है पटाओ सिंड्रोम। तो पटाओ सिंड्रोम है, इस पटाओ सिंड्रोम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो 13 होता है, क्रोमोसोम नंबर 13 उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसका भी ट्राइजोमी हो जाएगा और इसका सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स क्या होता है, जो बच्चा होता है ना उसका ओट कटा हुआ निकल जाता है, बचपन में उसका ओट कटा हुआ निकलेगा, उसमें जॉ में दरार होगा, दरार नहीं होगा मतलब फिक्स नहीं होगा वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिफ्ट प्लेट बन जाएगा, जैसे ऐसे होल्ट है,
कटा हुआ होड़ ऐसे निकल जाता है। तो ये पटाव सिंड्रोम का केस था, 13 नंबर क्रोमोसोम पे होता है। उसके बाद से कौन सा है, उसके बाद से टर्नर सिंड्रोम और क्लिफेंडर सिंड्रोम हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो टर्नर सिंड्रोम, जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर, जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे एक माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सो क्रोमोसोम हो जाएगा, तो जो फीमेल होगी वो क्या हो जाएगी, फीमेल स्टेराइल हो जाएगी, उसमें पूरे फीमेल के गुण नहीं होंगे और वो प्रजनन करने योग्य नहीं हो पाएगी, ठीक है। पांचवा नंबर क्या है, क्लिफेंडर सिंड्रोम, क्लिफेंडर सिंड्रोम सिंड्रोम। सो एक्चुअल में आपने अभी तक जितने भी क्रोमोसोम डिसऑर्डर देखे, यूप्लोइडी वाला, एनिप्लोइडी वाला, उसमें सिर्फ टर्नर सिंड्रोम का ही एक एग्जाम्पल देखा, जिसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है, क्रोमोसोम घट रहा है, बाकी सब में क्रोमोसोम बढ़ ही रहा है एक एक। और क्लिफेंडर सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम बढ़ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई मेल होता है, इसमें एक आप एक्स ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई, तो आधा मेल हो जाएगा आधा फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेल होगा, मेल को गाइनोकोमेस्टिया हो जाएगा, गाइनोकोमेस्टिया मतलब उसको, उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, गाइनोकोमेस्टिया ब्रेस्ट इनकम्प्लीट डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलप्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल्क देगा, बट उसके फैटी फैट्स और एल्वियोलाई वो सब बढ़ जाएंगे, उनका ग्रोथ हो जाएगा ना। और क्या होगा, ये भी स्टेराइल हो जाएगा, ये भी स्टेराइल हो जाएगा, प्रजनन करने योग्य नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग ने देखा क्लिफेंडर सिंड्रोम, इसमें अलग अलग केस हो सकता है कि दो इसके और दो केस, दो एक्स एक और एक्स जुड़ जाएगा तो ट्रिपल एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने तीन ये जो देखे सिंड्रोम्स, टोटल पांच, तो पांच जो सिंड्रोम देखे, इसको देखना ये एग्जाम पूछता है। और यहाँ तक हो सकता है कि समझ में आ गया हो, और कोई डाउट होता तो तुम लोग पूछ सकते हो। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।